का जो ये कार्यक्रम था बेसिकली ये संवाद कार्यक्रम नहीं था, ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, किंतु हमारे बीच में जो अतिथि थे उनसे दो दो शब्द सुनना जरूर था, क्योंकि 15 वर्ष के बाद एक जो आपने देखा होगा 11:30 बजे से हमने प्रेस को आमंत्रित किया था, लगभग सब लोग 12 बजे पहुंचे थे क्योंकि सबकी व्यस्तताएं हैं। तो हमारा एक उद्देश्य था कि इन 15 वर्षों में जो यात्रा हमने की उसके अनुभव को साझा करें, और जो मंचासीन हमारे लोग थे वो भी इस बात को साझा करें। दो लोगों को हमने मंच के सामने से एक एडवाइजरी के रूप में बोलने के लिए उनसे समय लिया। निश्चित रूप से आने वाले टाइम पे हम एक युवा संवाद के माध्यम से एक मंच को बुलाने का प्रयास करते हैं करेंगे जिस तरह से हम स्कूलों में करते थे, और निश्चित रूप से उनकी आने वाले समय में उनके आपने कोई ऐसा कदम उठाया? निश्चित रूप से हमारी जो बहनें हैं वो भी कहीं ना कहीं आज एक फैशन में, अट्रैक्शन में, कई बार डिप्रेशन में, कई बार संगत के कारण व्यसन की ओर जा रही हैं। मैं फिर वही कहना चाहूँगा कि समाज में भ्रांतियाँ बहुत सारी हैं, सरकार और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, इवन स्वास्थ्य मंत्री जी भी इस प्रयास में लगे हैं कि व्यसन मुक्त उत्तराखंड बने, व्यसन मुक्त देश बने, 2025 तक व्यसन मुक्त बने। लेकिन मैं मानता हूं कि हम सबका प्रयास होना चाहिए, सरकार प्रशासन के साथ मिलकर हम जब तक स्वयं प्रयास नहीं करेंगे बदलाव नहीं आ सकता है। बहुत बड़ा देश है, 125 करोड़ के युवाओं को, लोगों को बदलने के लिए एक एक को प्रयास करना पड़ेगा, उसी में हम एक छोटे से गिलहरी के रूप में प्रयास कर रहे हैं।